राजस्थान की राजनीति में उठापटक का दौर जारी। अशोक गहलोत ने की राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार मुलाकात। कांग्रेस ने लगाया है राज्यपाल पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप। राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीसरी बार लौटाई सत्र बुलाने की फाइल। कहा पूछे गए सवाल का नहीं मिला जवाब। सीएम गहलोत बोले राज्यपाल ने तीसरी बार भेजा है प्रेम पत्र। राजस्थान में बीएसपी ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती। मायावती बोली कांग्रेस ने धोखे से विधायकों को किया है अपनी तरफ। भारतीय वायुसेना में 5 रफाल विमान शामिल। वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। INS कोलकाता ने कहा यह गर्व की उड़ान है। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम हुआ शिक्षा मंत्रालय। नई शिक्षा नीति को भी मोदी कैबिनेट में मिली मंजूरी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां तेज। 200 अतिथियों की सूची में पीएमओ ने लगाई मुहर। साधु संत और उद्योगपति भी भूमि पूजन में होंगे शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हुई एक्टिव। कांग्रेस ने भागलपुर सहित 5 जिलों में बनाए नए अध्यक्ष। जातिगत आंकड़ों पर भी कांग्रेस का फोकस। बैंकों और NBFC प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बैठक में भविष्य के विजन पर होगी चर्चा। कोरोना संकट को देखते हुए महत्वपूर्ण है बैठक। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया पर FIR दर्ज। पिता ने लगाया था बेटे को फंसाने का आरोप। FIR के बाद अंकिता लोखंडे का पोस्ट, लिखा सच जीतता है। गंगोत्री मंदिर में श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे प्रवेश। महामारी की वजह से 15 अगस्त तक बंद रहेगा गंगोत्री मंदिर। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने लिया फैसला। दुनिया भर में कोरोना से तबाही जारी। वायरस से मरने वालों की संख्या 6,63,000 से ज्यादा। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1,68,93,000 के पार। 1,04,56,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। लद्दाख में जारी है चीन की मनमानी। पेंगोंग गोगरा में अभी भी पीछे नहीं गई चीनी सेना। फिंगर एरिया में भी कोई बदलाव नहीं। सरकार ने विमानन क्षेत्र में संशोधित FDI नियमों को किया अधिसूचित। अप्रवासी भारतीय नागरिक भी एयर इंडिया में खरीद सकेंगे 100% हिस्सेदारी। आर्थिक मामलों के विभाग ने दी जानकारी। कहा मालिकाना हक भारतीय नागरिकों के पास ही रहेगा। केंद्र सरकार ने किया जनता को बेहाल। वित्त सचिव बोले केंद्र के पास GST बकाया देने के पैसे नहीं। खतरे में 10 करोड़ रोजगार। बीमा सेक्टर का निजीकरण कर सकती है सरकार। रणनीतिक सेक्टर का टैग देने पर विचार। केवल 4 सरकारी कंपनियां अपने हाथ में लेने पर भी मंथन। फास्ट फूड के लिए मशहूर मैकडॉनल्ड्स पर भी पड़ा लॉकडाउन का असर। कंपनी की वैश्विक बिक्री को हुआ भारी घाटा। ब्रिटेन फ्रांस और लैटिन अमेरिका सहित बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिक्री में 23.9% गिरावट दर्ज। वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने कहा जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो छोटी टीमों की बढ़ेंगी मुश्किलें। सरकार से की बड़ा फैसला लेने की अपील। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट का बयान। उनके टीम के साथियों को जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने पर खुद को समझना चाहिए भाग्यशाली। डेली सोप के बाद खतरनाक स्टंट करेंगी निया शर्मा। जल्द शुरू होगा KKK मेड इन इंडिया। फैंस ने कहा निया को नए अवतार में देखना है। KGF चैप्टर 2 में संजय दत्त का फर्स्ट लुक रिलीज। दिख रहे एकदम खतरनाक। फिल्म का दूसरा पार्ट भी किया गया रिलीज।